नमस्कार। यदि आपका जन्म किसी भी मास के 5 तारीख को, 14 तारीख को या 23 को हुआ है तो आपका नंबर 5 है। 5 नंबर वालों के लिए 2024 कैसा रहेगा वो आज इस वीडियो में देखेंगे। सर्वप्रथम, जैसा कि हमको पता है कि 2024 जो है उसकी जो एनर्जी है उसको रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट सैटर्न या शनि, और जो 5 नंबर है उसको रिप्रेजेंट करता है प्लैनेट मर्क्यूरी या बुध। अब मज़ा ये है कि बुध और शनि ये दोनों ज्योतिष में नपुंसक ग्रह कहे गए हैं। उसका अर्थ ये हुआ कि इस साल 5 नंबर वालों को एफर्ट्स डालने होंगे, सिर्फ और सिर्फ मनोभाव रखने से, सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन रखने से या सिर्फ और सिर्फ विशेष रखने से वो फुलफिल नहीं होगी। आपको एफर्ट्स डालने होंगे तो ही आपके ड्रीम फुलफिल होंगे। याद रहे, ये जो 2024 है वो आपके लिए एक तरह से विश फुलफिलिंग ईयर रहने वाला है। कई सालों से जो आपने अपने ड्रीम्स चेरिश करके रखे थे वो सब इस साल के दौरान चरितार्थ होंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी जो क्विकनेस है उसके ऊपर कंट्रोल रखना है। याद रहे, बुध को शास्त्रों में कुमार ग्रह कहा गया है, वो बहुत ही चंचल है, और जो 2024 है उसकी जो एनर्जी है वह एनर्जी है ठहराव की और स्टेबिलिटी की। तो आपको आपकी जो चंचलता है, आपकी जो स्विफ्टनेस है, आपकी बहुत सारा काम करने की वृत्ति जो है उसके ऊपर कंट्रोल रखना होगा। यदि आप ठहराव से जिए, यदि आप स्टेबिलिटी से जिए, यदि आप फोकस रख के जिए, तो याद रहे 2024 विल बी द ग्रेट ईयर फॉर यू। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ में किसी भी तरह के नए कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। लक आपको सपोर्ट करेगा। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ माइंडफुलनेस की टेक्निक सीखनी है, लाइक मेडिटेशन या मंत्र जाप या योग। आपको शारीरिक श्रम के ऊपर ध्यान नहीं देना है, आपको आपकी मानसिक वृत्ति के ऊपर ध्यान देना है। तो जितना आप मेंटली अपने आप को स्थिर रखोगे उतना ही 2024 आपको हेल्प करेगा। सो योग या मेडिटेशन जैसी कोई ऐसी प्रवृत्ति आपको 2024 में करनी चाहिए जिससे आपका मन ठहरे, माइंड में स्टेबिलिटी आए। वेल्थ के लिए यह अकल्पनीय लाभ देने वाला वर्ष रहने वाला है। जिस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आपने सोची भी नहीं होगी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। उसमें भी यदि आप मीडिया के साथ इन्वॉल्व हो, आप कम्युनिकेशन के साथ इन्वॉल्व हो, या फिर आप पब्लिक के साथ इन्वॉल्व हो, आप सेलिब्रिटी हो, या फिर आप डे टू डे लाइफ में कम्युनिकेशन करके अपने फील्ड में काम कर रहे हो, तो याद रहे ये साल आपको लंबे समय तक याद रहेगा। यदि आप आपकी लाइन चेंज करना चाह रहे हो या फिर 2024 में किस तरह से आप प्रोफेशनली ज़्यादा एनहांस हो सको वो अगर आपको ढूंढना है, तो याद रहे किसी भी तरह की अकल्ट साइंस की कोई चीज़ आप सीखना स्टार्ट करो, लाइक एस्ट्रोलॉजी हो गई या फिर वास्तुशास्त्र हो गया या योग हो गया या मेडिटेशन हो गया, उस तरह की, या फिर वैदिक स्पिरिचुअल स्टडीज़ हो गई। अगर उस तरह की चीज़ें आपने 2024 में सीखना स्टार्ट किया तो याद रहे उसका लाभ आपको प्रोफेशनली भी होगा। सो ओवरऑल आपको इस साल का उपयोग कर लेना चाहिए। यदि आप प्रमोशन के लिए वेट कर रहे हो तो 2024 आपको मायूस नहीं करेगा। जो आपकी डिज़ायरेबल पोजीशन थी वही आपको मिलेगी। रिलेशनशिप के लिए 2024 आपको लंबे समय तक याद रहेगा, क्योंकि आप सेकंड हाफ ऑफ 2024 में आपके जीवन साथी को या आपका जो लव पार्टनर है उसको मिलोगे और उसका इम्पेक्ट आपकी पूरी लाइफ के ऊपर होने वाला है। आपका सोशल सर्कल भी इस साल के दौरान विस्तृत होगा, बढ़ेगा, और मीनिंगफुल पीपल आपकी लाइफ में एंटर होंगे। एजुकेशन के लिए जैसे कि मैंने बता दिया, बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है, आपको फोकस डेवलप करना है। याद रहे आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम इस साल आपको सुनिश्चित मिलने वाला है। सो हमारी सलाह है
कि आपको इस साल का उपयोग कर लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति 5 नंबर के जातक प्रदेश गमन के लिए फर्दर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो इस साल उनको सुनिश्चित सफलता मिलेगी और डिज़ायरेबल यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन भी मिलेगा। ओवरऑल लक का सपोर्ट होने के कारण 2024 में 5 नंबर वालों को बहुत लाभ होने वाला है। अंत में यह आने वाला 2024 5 नंबर के जातकों के लिए ठहराव लाए, स्टेबिलिटी लाए और जीवन में सुख शांति और समृद्धि को वो प्राप्त करे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु, प्रणाम।